आज हम सब लोग उपस्थित हुए हैं 17 तारीख के चुनाव को के संबंध में सपोर्ट मांगने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष एवं समस्त मंचासीन अतिथि का समय के अभाव है, इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि जैसे सुरेंद्र जैन जी ने और गौर वक्ताओं ने पूर्व कमल पटेल के बारे में बताया, और मैं भी बताना चाहता हूं कि ये आदमी झूठ बोलता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मेरा चैलेंज है उनको कि वो एक सैद्धांतिक कोई काम बता दे कि हड़ताल के लिए उन्होंने किया हो, तो कोई काम नहीं किया। जैसे सेंट्रल स्कूल वापस जा रहा था, शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहिए था, हमारे जिले को शिक्षित करना चाहिए था, और सेंट्रल स्कूल वापस जा रहा था, मैंने रुकवाया उसको, तीन कमरे में आज लग रहा है, तो ये 5 साल हो गए, इसके बाद भी 3 कमरे में लगा रहा है वो स्कूल की बिल्डिंग नहीं बनवा पा। मॉडल कॉलेज वापस जा रहा था, वो मैंने रुकवाया, और रुकवाने के बाद वो भी 3 कमरे में 5-6 साल हो गए लगते लगते, और उसकी भी बिल्डिंग नहीं बनवा नहीं पाए। ओवरब्रिज हमने सही से कराया 2016 में, ओवरब्रिज को इसी कमल पटेल ने रुकवाया और बनने नहीं दिया, एनएच का फिर बाद में आ गया, एनएच उधर चला गया, एनएच ने मना कर दिया कि मैं यहाँ इस जगह पर नहीं बनाऊंगा, मेरा एनएच उधर जा रहा है, उस पर बनेगा, आप क्यों पैसा लगाए, आपकी नगर पालिका लगाए, आपकी सरकार लास्ट स्टेट के स्टेट गवर्नमेंट लगाए, ये विकास रोकते हैं, विकास रोकने के पर आपको बता रहा हूँ। ये मोहाल में नहरें हमने सेंक्शन कराई हमारी सरकार में, हमारी कांग्रेस की सरकार 15 महीने की 18 महीने की सरकार में नहर सेंक्शन कराई, नहर के पैसे पड़े, टेंडर हो गया, ठेकेदार काम करने को तैयार है, पर एक कमल पटेल उन नहरों को खुद ने नहीं करा। अधिकारियों से रास्ता रुकवाता है, अधिकारियों से पच्चा फंसवाता है, छोटे छोटे से ऑब्जेक्शन लगवाता है, और वो नहर नहीं खुद पाए, वो गाँव 3 साल से वंचित है पानी से, और सिंचाई की बात करता है, मैंने 100% सिंचित कर दिया हरदा जिले को। मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूँ कि खुड़ा हुआ कि उधर नहर क्यों नहीं गई, 20 साल से तुम एमएलए थे, मंत्री थे, मैंने लेके आया, 5 साल में रहा विधायक, तो मैंने रेलवे लाइन के उस पार नहरें खुदवाई और रेलवे लाइन का पुल बनवा के उधर प्रेयर ले गया। रोडों की हालत क्या थी, मगरदा रोड की हालत क्या थी, आप सब व्यापारी भाई भी व्यापार के लिए जाते हैं और मगरदा, उस रोड पर चलने लायक नहीं था, वो रोड मैंने बनवाया है, और इनके राता तलाई में रोड मैंने बनाया, कमल पटेल के राता तलाई तक रोड नहीं था ढंग से, राता तलाई में हाई स्कूल नहीं था, मैंने बनवाया, हाई स्कूल चालू करवाया, 6 हाई स्कूल आए थे, मीटिंग में बैठे थे, सबसे पहले मैंने कहा कि राता तलाई को पिक करो, इसको ये मंत्री का गांव है, ये अनपढ़ मंत्री है, इसको पता नहीं है कि शिक्षा का कितना महत्व है, और अपने गाँव में स्कूल नहीं खुलवा सकता तो ये क्या करेगा विकास, इसलिए सबसे पहले वहीं से शुरू करो। तो हम विकास की बात करते, कांग्रेस के लोग इतिहास है, आपने देखा अगर डैम तवा डैम नहीं होता तो हमारा हरदा इतना बड़ा सिंचित होता क्या, तवा डैम के कारण हुआ, इसके साथ ही हमने डैम लेके आए, यहाँ पे गंजार मोरन डैम बनने जा रहा है, गंजार मोरन डैम की 3 साल पहले टेंडर उसके भी हो गए, 18 महीने की सरकार उसको हमने सेंक्शन कराया और उसको निकाला, वो 72% डैम है, उसको मैंने निकलाया, विधानसभा क्वेश्चन लगा के बार बार उसको निकलाया, और निकलाने के बाद सरकार आई, सबसे पहले वो काम किया, वो डैम का टेंडर हो गया, और टेंडर होने के बाद वो 2800 करोड़ का था, पहले 1800 करोड़ का था, मैंने निकलाया, जब 2800 करोड़ हो गया, अब 3500 करोड़ हो गया उसको, पर अभी काम उसका 3 साल से रोक के रखा था, इन्होंने नहीं होने दिया, अभी चुनाव से पहले उसका भूमि पूजन किया। अगर वो डैम बन जाता तो हमारे हरदा के जो बाकी बचे हुए गांव थे, आज अगर देखे मगरदा से उधर देखे, रेड गांव से उधर देखे, या चारवा सोसाइट देखे, पूरा असिंचित एरिया है, ये बताता है कि सिंचित कर दिया मैंने, कहां से सिंचित कर दिया ये तो बताए, कौन सी योजना लेके आया, एक योजना तो बताया पर योजना कोई नहीं लेके आया, समझ नहीं है योजना की, आज हरदा का विकास कौन सा कर दिया, हरदा का बता दे, एक चौराहे का विकास भी किया होते साथ में, काम रुकवा था। तो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोग हमेशा विकास की बात करते हैं और ये भाजपा के लोग विनाश की बात करते हैं, ये कमल पटेल विनाश की बात करते हैं, हरदा अगर कभी डेवलप दिखता है तो राजोरिया जी के टाइम का, कांग्रेस के राजोरिया जी विधायक थे, उस टाइम का डेवलप दिखता है, ये कॉम्प्लेक्स दिख रहा है तो उसी टाइम का है, चाहे सब्जी मंडी देखो तो उसी टाइम की है, उसके बाद अगर कुछ बना हो तो बता दे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे कांग्रेस के एमएलए रहे चाहे नंदेरा